हेलो फ्रेंड्स, कलर्स ऑल्सो स्पीक सीरीज का नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूँ। एंड टुडेज कलर इज वाइट। व्हाट इज दैट? इट इज वाइट। वाइट दैट इज द सिंबल ऑफ पीस, यानी शांति। शांति का जो प्रतीक है, जिसको हम श्वेत कहते हैं, सफ़ेद कहते हैं, उसी वाइट के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और कोशिश करूँगा कि वाइट से रिलेटेड सारे वर्ड्स, idioms और phrases आपके सामने पेश कर सकूँ। तो टाइम वेस्ट करे बिना बढ़ते अपने वीडियो की तरफ, लेट्स मूव। The first word is white itself, जिसका मतलब होता है of the very light color of fresh snow or milk, यानी सफेद या श्वेत रंग जो होता है उसको बोलते हैं white। क्या बोलते हैं? White। Next term इसका है to be white with shock, anger or fear, यानी डर की वजह से, किसी शॉक की वजह से या गुस्से की वजह से आपके बॉडी के अगर कलर चेंज होते हैं, means you turn white or like that only, तो उसको बोलते हैं टू बी वाइट विद शॉक। इसका एग्जाम्पल देखिए, शी बेंट वाइट एज अ शीट व्हेन दे टोल्ड हर द रियलिटी, जब उन्होंने उसको सच्चाई बताई तो वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई, या कह सकते हैं वो उसके शरीर के रंग ढंग बदल गए। नेक्स्ट वर्ड और द नेक्स्ट टर्म इज इन ब्लैक एंड वाइट। व्हाट इज दैट? इन ब्लैक एंड वाइट, इट इज़ एन idiom एक्चुअली एंड इट्स मीनिंग इज इन प्रिंट और इन राइटिंग, मतलब प्रिंटेड फॉर्म में या राइटिंग के फॉर्म में अगर कोई चीज़ है तो उसको बोलते हैं इन ब्लैक एंड वाइट। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट द ब्लू प्रिंट इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब मुझे ये प्लान ब्लैक एंड वाइट में चाहिए, मतलब कि राइटिंग में या प्रिंट में चाहिए। द नेक्स्ट टर्म इज वाइट एलिफेंट। वॉट इज दैट? इट इज कॉल्ड वाइट एलिफेंट, something that you no longer need and that is not useful anymore, although it cost a lot of money. Mean to say, कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत खर्चीली है लेकिन आपके लिए किसी यूज़ की नहीं है, वो बेकार हो चुकी है। आप इसको सफ़ेद हाथी भी कह सकते हैं। द नेक्स्ट टर्म इज द वाइट हाउस। इट इज़ नोन टू एवरी वन नियरली, लगभग सभी जानते हैं कि वाइट हाउस क्या है। एक्चुअली दिस इज द लार्ज बिल्डिंग इन वॉशिंगटन DC वेयर द US प्रेसिडेंट लिव्स एंड वॉक्स, मतलब जहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं और काम करते हैं, उसी जगह को बोलते हैं द वाइट हाउस। नेक्स्ट टर्म इज वाइट लाई, सीधा बोलेंगे सफ़ेद झूठ, लेकिन इसका काइंड क्या होता है, इसका प्रकार क्या होता है? अ लाई दैट इज़ नॉट वेरी हार्मफुल और सीरियस, स्पेशली वन दैट यू टेल बिकॉज द ट्रुथ वुड हर्ट समबडी, मतलब ऐसा झूठ है जो आप तब बोलेंगे कि शायद सच किसी को हर्ट करने वाला हो, तो आप सच ना बोलकर झूठ बोलेंगे जिससे किसी को हर्ट ना हो लेकिन किसी का नुकसान भी ना हो। ओके, तो एक ऐसा लाए जो किसी का नुकसान ना करे और शायद किसी को कष्ट ना दे, तो उसको बोलते हैं वाइट लाए। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज और द नेक्स्ट वर्ड इज वाइट वॉश। ये आपका एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। इसके मीनिंग दो होते हैं। पहला मीनिंग इसका है वही वाइट लिक्विड से अगर आप कहीं पेंटिंग कर रहे हैं तो उसको वाइट वॉश करना कहते हैं, और दूसरा है अगर आप किसी के कामों पर पर्दा डाल रहे हैं, इफ़ यू आर ट्राइंग टू हाइड सम अनप्लेजेंट फैक्ट्स अबाउट समबडी और समथिंग, देन यू आर डूइंग वाइट वॉश। तो आप क्या कर रहे हैं? वाइट वॉश कर रहे हैं। और हिंदी में इसको बोलेंगे लीपा पोती करना। क्या करना? लीपा पोती करना। इसका एग्जाम्पल देखिए, एज अ नाउन मीडिया क्लेम्ड द रिपोर्ट वॉज अ वाइट वॉश, मतलब कि मीडिया ने क्लेम किया कि जो रिपोर्ट है ये एक वाइट वॉश है। नाउन की तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जिसमें इसकी मीनिंग होगी पुताई से रिलेटेड, ही वॉज पेंटिंग वाइट वॉश ऑन टू अ वॉल, मतलब वो दीवार पर सफेदी कर रहा था। नेक्स्ट जो इसके एग्जाम्पल होंगे वो एज अ वर्ब होंगे। फर्स्ट वन इज द पुलिस ट्राइड टू वाइट वॉश इन दैट केस, मतलब पुलिस ने उस केस में लीपा पोती करने की कोशिश की। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही वॉज वाइट वॉशिंग द बॉल, मतलब वो दीवार की पुताई कर रहा था। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज वाइट वाटर राफ्टिंग। इट इज एक्चुअली अ स्पोर्ट। इट इज द स्पोर्ट ऑफ ट्रैवलिंग डाउन अ फास्ट रफ सेक्शन ऑफ अ रिवर लेक एटसेट्रस इन अ रबर बोट, मतलब रबड़ की नाव में बैठकर जाने का जो खेल होता है, स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर पानी की धारा काफ़ी अशांत होती है, काफ़ी तेज़ होती है, वहाँ पर हम लोग बोलते हैं वाइट वाटर राफ्टिंग। द नेक्स्ट टर्म इज वाइट एंट, सीधा कहें सफ़ेद चींटी, जी नहीं, इसको बोलेंगे दीमक। इसकी जो रियल मीनिंग होती है उसको बोलते दीमक। इन इंग्लिश इट इज ऑल्सो नोन एज टर्माइट। टर्माइट कहो या वाइट एंट कहो, दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट टर्म इज वाइट बेयर। वाइट बेयर, पोलर बेयर,
जो पोल्स पर रहने वाले भालू होते हैं उनको बोलते हैं व्हाइट बेयर. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज व्हाइट बेल्ट. ये क्या होता है? इट इज द लोएस्ट रैंक और द बेल्ट गिवन टू अ बिगिनर इन मार्शल आर्ट और कराटे एक्सेट्रस. मतलब मार्शल आर्ट में और कराटे में जो एक बिगिनर को या जो सबसे लो रैंक होती है उसको एक बेल्ट दी जाती है, उसी बेल्ट को बोलते हैं व्हाइट बेल्ट. नेक्स्ट टर्म इज व्हाइट ब्रेड. सफेद रोटी? जी नहीं, ये एक ब्रेड है दैट इज मेड फ्रॉम व्हाइट फ्लोर, सफेद आटे से बनती. सफेद आटा क्या होता है? एक्चुअली इट इज द फाइनेस्ट फ्लोर. इन हिंदी इट इज नोन एज मैदा. हिंदी में इसको मैदा कहते हैं और उसी से जो ब्रेड बनती है उसको बोलते हैं व्हाइट ब्रेड. नेक्स्ट टर्म इज व्हाइट सेल. व्हाइट सेल क्या है? एक्चुअली WBC और द व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि हमारे बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, हमारे बॉडी को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं WBC और द व्हाइट ब्लड सेल्स. नेक्स्ट टर्म इज व्हाइट हैट. व्हाइट हैट क्या होता है? अ गुड पर्सन और अ हीरो. एग्जाम्पल देखिए इसका, वी वर्क फॉर गुड रीजंस बिकॉज वी आर द व्हाइट हैट्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज व्हाइट मैजिक. एनी मैजिक दैट इज डन फॉर द गुड पर्पजेज, यानी अच्छे उद्देश्यों के लिए कोई अगर जादू किया जाता तो उसको बोलते हैं व्हाइट मैजिक. एग्जाम्पल देखिए इसका, ही यूजेस हिज मैजिक फॉर द गुड रीजंस सो वी कैन कॉल हिम अ व्हाइट मैजिशियन. ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज व्हाइट नाइट. सफेद रात्रि? जी नहीं, अ नाइट दैट इज कंप्लीटली स्लीपलेस. मतलब जिस रात आपको नींद नहीं आती तो वो रात आपके लिए व्हाइट नाइट होती है. कैसी नाइट होती है? व्हाइट नाइट. ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज व्हाइट प्लेग. प्लेग बीमारी आपने सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर व्हाइट जुड़ा उसके साथ तो इसकी मीनिंग दूसरी हो जाती है. इट्स मीनिंग इज ट्यूबरक्लोसिस स्पेशली ऑफ लंग्स, यानी लंग्स में अगर टीवी हो जाता तो उसको बोलते हैं व्हाइट प्लेग. नेक्स्ट टर्म इज व्हाइट रूम. व्हाइट रूम, सफेद कमरा? जी नहीं, कलर कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई रूम बहुत ज्यादा क्लीन है तो उस रूम को बोलेंगे दिस इज द व्हाइट रूम. ओके, दादा नेक्स्ट टर्म इज व्हाइट फ्लैग. व्हाइट फ्लैग क्या होता है? सफेद झंडा. जी हाँ, सफेद ही होता है. एंड दिस इज द सिंबल ऑफ पीसफुल सरेंडर. अगर कोई शांति से किसी लड़ाई में सरेंडर करना चाहे तो उसको बोलते हैं व्हाइट फ्लैग. एग्जाम्पल देखिए, द सोल्जर वॉज होल्डिंग द व्हाइट फ्लैग अबव हिज हेड. मतलब सैनिक ने अपने सिर के ऊपर झंडा पकड़ा हुआ था. कौन सा झंडा? सफेद झंडा. दैट मीन्स ही वॉज इन द मूड ऑफ सरेंडरिंग, यानी सरेंडर करने की मूड में था तो वो व्हाइट फ्लैग को होल्ड किए था. नेक्स्ट टर्म इज व्हाइट बियर्ड. व्हाइट बियर्ड, सफेद दाढ़ी? जी हाँ कह सकते हैं आप, बट इसका जो रियल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है, वो है एन ओल्ड मैन. एक बूढ़ा व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं व्हाइट बियर्ड. ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज व्हाइट कॉलर. व्हाट इज दैट? इट इज व्हाइट कॉलर. व्हाइट कॉलर इज एक्चुअली यूज्ड फॉर अ जॉब. एक जॉब के लिए इस्तेमाल होता है. वर्कर्स हु वर्क इन ऑफिसेज एक्सेट्रा, यानी जो वर्कर ऑफिस में काम करते हैं या किसी टेबल पर या जिनका डेस्क जॉब होता है उसको बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब. ध्यान रखिए, अगर मैनुअल लेबरर हैं तो उनकी जॉब को व्हाइट कॉलर जॉब नहीं कहा जाएगा. व्हाइट कॉलर जॉब सिर्फ उसी कहेंगे जो किसी ऑफिस में किसी टेबल पर या किसी डेस्क पर बैठकर किया जाता है. ओके, सो दीज वर द टर्म्स रिलेटेड टू व्हाइट. आई होप दैट यू वुड हैव लाइक्ड दिस वीडियो एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर टुडे.